सो क्या दोस्तों, आपको भी टर्मिनेशन का नोटिस मिला है या टर्मिनेशन वाली टर्म आपने अभी अभी सुनी है इससे पहले केवल आप रिजाइन डालते थे? तो टर्मिनेशन क्यों दिया जा रहा है, क्यों इस तरीके की बातें हो रही हैं, या टर्मिनेशन में किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, इन्हीं सारी चीजों को लेकर के मैं आ चुका हूं आपका भाई मनोज कुमार फिर से आपके सामने एक नए टॉपिक को लेकर के। टॉपिक एक्चुअली देखा जाए तो सच में पुराना है, क्योंकि जब से हमने जॉब स्टार्ट नहीं करी उससे भी पहले से टर्मिनेशन जैसी चीज जो है मार्केट में पहले से ही है। तो टर्मिनेशन क्यों किया जाता है तो वो जानेंगे, टर्मिनेशन की क्या डेफिनेशन है वो जानेंगे, साथ में कितने तरीके के टर्मिनेशन होते हैं वो जानेंगे, टर्मिनेशन होने के रीजंस कौन कौन से हैं, और टर्मिनेशन कंपनी करती है तो किन वजह से करती है, और कभी कभी सेल्फ अपनी गलतियों की वजह से टर्मिनेशन हो जाता है उनको जानेंगे। साथ में जानेंगे कि टर्मिनेशन लेटर के अंदर एचआर वाले लिखते क्या है भाई, वो पता तो हो एक्चुअली लिखते क्या है, और फिर जानेंगे कुछ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन जो गवर्नमेंट ने या संविधान में या कोर्ट ने डिसाइड किए हुए हैं, रूल्स हैं, लॉ हैं, जिनको फॉलो करना पड़ता है एम्प्लॉयर को, और क्या आपको नहीं करना चाहिए, साथ में टर्मिनेशन के बाद कौन कौन से बेनिफिट्स जो है वो एम्प्लॉयर को मिलते हैं। तो बहुत सारी बातें करने वाले हैं आज के सेशन में। तो दोस्तों टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधे लेके चलता हूँ बोर्ड पे और पूछता हूं, पहले पूछता हूं कि भाई टर्मिनेशन क्या होता है। तो जिस भी मेरे भाई को टर्मिनेशन पता हो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपके हिसाब से टर्मिनेशन की जो डेफिनेशन है वो क्या बनती है। तो मैं स्टार्ट करता हूं दोस्तों, सबसे पहले बताता हूं टर्मिनेशन क्या है भाई। टर्मिनेशन है कि कंपनी आपको आपकी सर्विसेज से रिलीज कर दे, आपको टर्मिनेट कर दे, आपको बोल दे कि भाई अब आप काम में नहीं हो, अब आप काइंड ऑफ यूज में नहीं हो, अब आपसे कोई काम नहीं करवाया जाएगा। एक्चुअल डेफिनेशन तो यही है दोस्तों कि कंपनी ने जो सेट ऑफ सर्विसेज तुम कंपनी को देते थे उन सर्विसेज से तुमको फ्री कर दिया, मतलब तुमको काम से हटा दिया है, आपको निकाल दिया है, काइंड ऑफ चीज। तो टर्मिनेशन की डेफिनेशन पता लग गई। रिजाइन में और टर्मिनेशन में क्या डिफरेंस है भाई? रिजाइन हम अपनी मर्जी से डालते हैं, जबकि टर्मिनेशन कंपनी अपनी मर्जी से करती है, या कई बार खुद की गलतियों की वजह से कंपनी को टर्मिनेशन जैसे स्टेप लेना पड़ता है। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं भाई, टर्मिनेशन कितने तरीके के होते हैं भाई? सिंपल सी बात है, टर्मिनेशन दो तरीके के होते हैं। एक तो वो जो कंपनी कर रही है, तो कंपनी कर रही है उसमें दोनों आते हैं, चाहे वो सेल्फ वाला हो चाहे कंपनी अपने रीजन से कर रही हो, तो उसमें दोनों आते हैं। तो एक तो कंपनी कर रही हो टर्मिनेटेड बाय कंपनी, और दूसरा होता है वॉलेंट्री टर्मिनेशन। अब वॉलेंट्री टर्मिनेशन जो है उसमें थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट है, एक्चुअली वो है टर्मिनेशन ही, बट वो वाला टर्मिनेशन नहीं है जिसमें कंपनी की हालत खराब हो गई हो या तुमने कुछ गलत कर दिया हो। अब ये वॉलेंट्री टर्मिनेशन कैसा है भाई? कोई इंडस्ट्री है, एग्जाम्पल देते हैं वॉलेंट्री टर्मिनेशन का, कोई इंडस्ट्री है जिसके अंदर कुछ लोग काम करते हैं, अब एक आदमी की ओवर एज हो गई है, काफी बूढ़े हो गए, वो काम करते करते और अब हिम्मत नहीं होती, ट्रेवल नहीं कर पाते ऑफिस आने जाने के लिए, तो वो अपनी सर्विसेज से फ्री होना चाहते हैं, वॉलेंट्री खुद से प्रपोज कर रहे हैं कि टर्मिनेट कर दो। तो वॉलेंट्री वो हो सकता है, बूढ़े हो गए हैं वो हो सकता है, या काम करते करते भाई अब नजर कमजोर हो गई है, ठीक से दिखता नहीं है, रीडिंग नहीं कर पाते हैं, मेल पे रेस्पॉन्ड नहीं कर पाते हैं, या किसी फर्म में है तो मशीन के पार्ट्स को ठीक से पहचान नहीं पाते हैं, या सिलाई की किसी फर्म में है, किसी इंडस्ट्री में, तो सिलाई में सुई में धागा नहीं डाल पाते हैं, या किसी और में है, बूढ़े हो गए हैं, बोझ नहीं उठा पाते हैं, तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। तो वॉलेंट्री टर्मिनेशन आप कंपनी को बोल सकते हो, तो वो भी वॉलंटरी होता है। तीसरा होता है कि भाई आपको भगवान ना चाहे कोई ऐसी परेशानी हो गई है, मेडिकली कोई ऐसी परेशानी हो गई है कि आप लगातार छुट्टियां लेते हो, ठीक से ऑफिस में अवेलेबल नहीं हो पाते हो, ठीक से कॉल अटेंड नहीं करते हो, या फर्म है तो वहां जाते नहीं हो, आपकी ज्यादातर अब्सेंट लगती है, और हमेशा हवाला होता है कि भाई मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, वो सच में बीमार है, ऐसा नहीं बहाना है, वो सच में बीमार है, तो वो खुद से वॉलेंट्री टर्मिनेशन ले सकता है और बोल सकता है कि भाई मैं हाथ जोड़ता हूं, मैं अपनी गलती अपनी बीमारी की वजह से कंपनी को टाइम नहीं दे पा रहा हूं, और मुझे अंदर से बहुत गलत लगता है कि भाई मैं इस तरीके से फ्री सैलरी ले रहा हूं। हालांकि देखिए, फ्री सैलरी किसको पसंद नहीं है, बिना काम किए हुए सैलरी अगर आती रहे, बिना वर्कआउट किए आती रहे, तो किसको पसंद नहीं है। बट कई बार कुछ होते हैं लोग जो सेल्फ स्वाभिमानी होते हैं कि भाई करूंगा तो कठिन परिश्रम करके ही काम करूंगा, करूंगा तो मेहनत का पैसा लूंगा मैं। आप ये तीनों जो मैंने बताए है ये टर्मिनेशन ही, बट कंपनी इनको टर्मिनेशन लेटर पे एक बहुत जस्टिफाइड रीजन लिख के देती है, और वो बहुत जायज होता है। एक्चुअली अब आप बूढ़े ही हो चुके हैं, अब आप काम ही नहीं कर पा रहे हो, तो बट ऑब्वियस है कि भाई
अब आप कहीं पे इंटरव्यू देने तो जाओगे नहीं, और अगर जाते भी हो तो उसमें बहुत ही जस्टिफाइड रीजन लिखा होता है, ठीक है। तो ये वॉलंटरी टर्मिनेशन हो गया और ये टर्मिनेटेड बाय कंपनी हो गया। तो दो तरीके के मेरे टर्मिनेशन होते हैं। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, रीजन ऑफ टर्मिनेशन। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टर्मिनेशन जैसी चीज को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए टर्मिनेशन का एक्चुअल मीनिंग वही है कि कंपनी आपको काम से निकाल रही है। अब क्यों निकाल रही है, इसके हजार तरीके हो सकते हैं भाई। कुछ तरीके ऐसे हो सकते हैं कि लाइक कंपनी के पास फंड नहीं है, हो सकता है भाई कोई बड़ी चीज नहीं है, कंपनी के पास काम नहीं है अपने एम्प्लॉय को देने के लिए, कंपनी का लेट से कोई प्रोजेक्ट था जिस प्रोजेक्ट में कंपनी फेल हो गई, या कंपनी का वो प्रोजेक्ट माइट बी सक्सेसफुल हो गया, कंप्लीट हो गया, अब उस प्रोजेक्ट के बाद जो बंदे उसने लिए थे उनकी जरूरत नहीं है, तो ये रीजन हो सकता है। और क्या रीजन होता है, कंपनी बैंक करप्ट हो जाए, भाई अब पैसा ही नहीं बचा, बिल्कुल पैसा नहीं बचा, जो फंड थे सब डिजॉल्व हो गए, आप मुझे अपने एम्प्लॉयज को देने के लिए सैलरी ही नहीं है, और तो और सैलरी तो छोड़िए, ऑफिस में बैठे हुए बंदे उनका जो डेली एक्सपेंस है लाइक टी कॉफी टिश्यू पेपर या ग्लासेस या वाटर या चाय कॉफी या फूड, उनको भी मेंटेन करने के लिए पैसे नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में कंपनी क्या करती है, कंपनी टर्मिनेशन देती है अपनी तरफ से बोल के नोटिस। हालांकि मैं जरूर बताऊंगा रूल्स में कि क्या क्या चीजें फॉलो करनी पड़ती है क्या करें, बट ये कुछ रीजन हो सकते हैं। और भी रीजन हो सकते हैं, क्या रीजन हो सकते हैं कि कंपनी का मर्जर हो रहा है भाई किसी कंपनी के साथ, अब दूसरी कंपनी जिसके साथ मर्जर हुआ है काम टास्क सेम है, वो चाहती है कि भाई एम्प्लॉयज कुछ कम कर लें, टर्मिनेशन हो सकता है, बोल दिया जाए लोगों को टर्मिनेट कर दो भाई, तो ऐसी केस में भी हो सकता है। और क्या हो सकता है, डुप्लीकेट एम्प्लॉय अगर मेरे बहुत सारे हैं, लेट से कंपनी के पास फंड्स के इश्यूज है, नो डाउट फंड इज अ फर्स्ट रीजन, बट कई बार फंड अवेलेबल होने के बाद भी कंपनी जो है टर्मिनेशन करती है, क्यों, एक ही टास्क को, जो टास्क आज इंपॉर्टेंट नहीं है बट कभी जब हायरिंग की थी तब इंपॉर्टेंट था, उस टास्क को करने के लिए प्रायोरिटी फर्स्ट थी, तो आपने ज्यादा नंबर ऑफ पर्सन को हायर किया, बट अब सारे ही सेम काम करते हैं और टास्क की प्रायोरिटी भी कम हो गई है, या वो वेल मैनेज्ड हो गया है, अब उसमें बग्स नहीं आते या कुछ भी, आप टीम साइज कम करना चाहते हो, तो ऐसी केसेस में भी टर्मिनेशन होते हैं। इकोनॉमी स्लो डाउन कई बार होता है, हम बोलते हैं ना कि भाई यूएस में आपका स्लो डाउन आ रखा है, या अभी क्या बोलते हैं उसको, रिसेशन आ रखा है, यूएस में रिसेशन आ रखा है, इंडिया में रिसेशन आ रखा है, भाई ये हो सकता है मार्केट बहुत डाउन पड़ी है, तो जब कभी भी पूरी इकोनॉमी में स्लो डाउन आता है तब भी कंपनी सेफ अपने आप को फ्यूचर के हिसाब से चलाने के लिए कि हम लॉन्ग लास्टिंग चलते रहे, ऐसे केसेस में एम्प्लॉयज की जो संख्या होती है उसको कम करते हैं। तो ये तो वो रीजंस हुए जिन केसेस में कंपनी ये डिसीजन लेती है भाई कि मुझे अपने एम्प्लॉयज को कम करना है, निकालना है किसी भी रीजन से। रीजंस मैंने आपके साथ सारे के सारे डिस्कस किए, माइट भी कुछ ऐसे रीजंस जरूर हो सकते हैं जो मैंने यहां नहीं लिखे, बट अगर नहीं लिखे हो तो डेफिनेटली आप जरूर बताइएगा मुझे कमेंट करके कि सर आपने ये वाला पॉइंट छोड़ दिया। दूसरा होता है मेरा क्या, दूसरा होता है मेरा सेल्फ वाला, कि भाई मेरा बंदा खुद की गलती से निकल गया। अब गलतियां भी हजार हो सकती है, कैसी ऐसी गलतियां हो सकती है भाई, सोच के देखो कि कोई आप वर्क इन्वायरमेंट बिल्ड करते हो, कंपनी के पास फंड भी है काम भी है सब कुछ है, बट आप कोई सिली मिस्टेक कर जाते हो। आप एग्जाम्पल दे रहा हूं दोस्तों, देखिए रीजन कुछ भी हो सकता है, लेट से आप किसी का काम कर रहे हो लगातार करते करते भाई उस बंदे ने कभी इशू होने पे रॉन्ग मेल लिख दी, या रिमाइंडर पे रिमाइंडर आपको डाल दिए, और आपको अब टॉप मैनेजमेंट को आंसर करना है, तो आपने उस बंदे से पर्सनली जाके गाली गलौज कर ली, अब्यूजिंग कर लिया भाई, कंपनी इस रीजन पे आपको निकाल सकती है। आपने, आपके मैनेजर ने, आपके सीनियर ने कोई चीज फॉलो करने के लिए कहा, किसी मेल पे रिवर्ट करने के लिए कहा, आपको काम करने के लिए कहा, आपने नहीं किया, डिसोबीडियंट कर दिया भाई, कंपनी किस केस पर भी, क्योंकि ये सारी चीजें कहां पर है, ये कंपनी की पॉलिसी में बिल्ड होते हैं, ये आपके ऑफर लेटर में भी लिखे रहते हैं कि टर्मिनेशन किन किन सिनेरियोज में हो सकता है, ठीक है। और क्या है, आपने अपने मैनेजर को बिना बताए या कंपनी को बिना इंफॉर्मेशन दिए 10 दिन के लिए आप गायब हो गए। अब गायब देखिए ऐसे जो कोई नहीं होता है, या तो उस बंदे को एक्चुअली उस जॉब में कोई इंटरेस्ट नहीं है, या सच में कोई इतनी बड़ी इमरजेंसी आ गई है कि उसके सामने जॉब की कोई वैल्यू नहीं है, वो बंदा 10, 11, 12, 15 दिन के लिए गायब हो गया कंपनी को बिना इन्फॉर्मेशन दिए, मैनेजर को बिना, अपने जिनसे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं वो सारी की सारी चीजें उसने ब्लॉक भी कर दी, ठीक है। ऐसे केस में कंपनी टर्मिनेट कर सकती है।
कंपनी के वॉयलेट पॉलिसी वॉयलेट होती है, अब वो तो मैंने बता ही दिया, किसी को गाली देना, किसी से गलत तरीके से बात करना, ठीक एटीट्यूड से पेश ना आना, या गलत मेल लिख देना, या किसी बॉस के या किसी का जो कहना है वो ना मानना, डिसरेस्पेक्ट करना, तो इन सारी चीज़ों में कंपनी की पॉलिसी के अगेंस्ट आते हैं। इन सारे केसेस में भाई आपकी जॉब जा सकती है। डिसोबीडियंट हो गया, डिसऑनेस्टी हो गया, विलिंग फुल डैमेज, मतलब आपने जानबूझ के कुछ डैमेज कर दिया, आप देख रहे हो कि किसी की नजर नहीं है मेरे पे, यार इसमें एक लात मार के चलता हूं, और वो लात मारने से वो शीशे का या कबर्ड का या कोई भी प्लास्टिक वो टूट गई, अब आप डर भाई यार ये क्या हो गया, लेकिन टूट तो गया ही ना। विलिंग फुल डैमेज आप करोगे तो भाई डेफिनेटली कंपनी अगर आपको पकड़ती है तो आपको निकाल देगी। फ्रॉड नहीं करना भाई कंपनी में, आपके हाथ में कुछ फंड से रिलेटेड चीजें हैं, पैसे से रिलेटेड चीजें हैं, या किसी सेलर बायर से आपका कोई कनेक्शन हो गया और आपने कोई फ्रॉड बिल्ड कर लिया अपने दिमाग में, उसको कभी इंप्लीमेंट नहीं करना है, इमीडिएट आपको कंपनी निकाल देगी, इमीडिएट, ठीक है, और आपके ऊपर केस अलग से करेगी। डेटा लीकेज नहीं करना है दोस्तों, ये भी वही केस है कि कंपनी की सिक्योर्ड इंफॉर्मेशन, सिक्योर्ड डेटा को अगर आप लीक करते हो, किसी के साथ शेयर करते हो, तो कंपनी इंस्टेंट आपको निकाल देगी और केस भी करेगी। लड़ाई झगड़ा नहीं करना, मैंने बता ही दिया है। कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है वो कभी लीक नहीं करनी है, कभी पूछनी भी नहीं है किसी से, आप किसी एम्प्लॉय से जाके गले में हाथ डाल के कहते हो यार तेरी सैलरी कितनी है, बट ऑब्वियस अगर वो आपका टीम मेंबर होगा, आपको उसकी रिपोर्टिंग होगी तो वो बता देगा एक बार के लिए, क्योंकि वो समझेगा कि आपको तो पता ही, बट पता नहीं होता भाई किसी को, ठीक है। थेफ्ट, चोरी चकारी में नहीं पड़ना है, मालूम पड़ा ऑफिस के अंदर कुछ इस तरीके के एसेट रखे हुए हैं जो आपको लगता है तो मेरे घर की बहुत काम की चीज है, इन्हें तो लेके ही चलता हूं। कई बार आपने सुना होगा, न्यूज में सुना होगा, मैंने सुना है एक्चुअली, कि कोई बंदा था जो अपने लैपटॉप के बैग में शुगर के पाउच लेके आता था, जो टी और कॉफी में डलते हैं, ठीक है, कितनी शर्मनाक बात रही होगी भाई, मतलब डूब मरने वाली बात है, मजाक में एक दो पैकेट रख लो देन ओके कि भैया चलो मैं कुछ खा रहा हूँ, या अपनी टेबल पे लेके जा रहा हूँ, या मैं अपनी सीट की सफाई कर रहा था, मैंने गलती से, दैट इज फाइन, पर भाई इतने सारे पूरा मुट्ठी भर के उसके बैग में निकले थे, आंसर भी नहीं कर पाया यार, बहुत शर्माती है। तो भाई चोरी, और ये तो बहुत छोटी सी चीज बताई है, लोग कई बार पता नहीं क्या क्या लेके आते हैं, स्टेशनरी लेके चले आते हैं, स्टेशनरी मंगाते हैं इन्वेंट्री से और अपने घर लेके चले आते हैं, बुकलेट्स होते हैं, डायरीज होती हैं, पता नहीं क्या क्या लेके जाते हैं, तो भाई ये सब नहीं करना चाहिए, बाय मिस्टेकली हो सकता है तो एक दो हो सकता है, बट ज्यादा नहीं हो सकता। रॉन्ग लैंग्वेज मेल बॉडी के अंदर कभी नहीं निकले, किसी को रिटर्न में कोई प्रूफ नहीं देना है कि आप मिसबिहेव कर रहे हो, साथ में र्यूमर्स नहीं उड़ाने हैं भाई, र्यूमर्स नहीं उड़ाने हैं, इस पचड़े में पड़ना ही नहीं है, कौन क्या कह रहा है, कहीं किसने क्या कहा, तुमने क्या सुना, भाई तुम्हें कंपनी में र्यूमर्स उड़ाने के लिए थोड़ी रखा गया है, तुम्हें रखा गया कि तुम्हें कंपनी में 1,000 रुपए का काम करना है और कंपनी को 10,000 कमा के देने हैं, सो दैट कंपनी तुम्हें पे कर सके, पैसे बनाने के लिए रखा गया है, र्यूमर्स उड़ाने के लिए तो भी कंपनी ना उड़ा लेती अगर ये कुछ काम की चीज होती तो ये नहीं करना है। साथ में एक केस और है एब्रॉड का, कि अगर कंपनी कई बार लोगों को यहां से एब्रॉड भेजती है काम करने के लिए और वो वहां पर किसी अननोइंग या किसी अनवांटेड एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो ऐसे केसेस में कंपनी डायरेक्टली टर्मिनेट कर देते हैं विदाउट डूइंग एनीथिंग। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको कंपनी, देखिए कंपनी जब परेशान है तब तो भाई एक लॉजिक बनता है कि कंपनी ही परेशान है, बट कुछ ऐसे गधे और सिली मिस्टेक नहीं करनी है कि आप कंपनी के टर्मिनेशन के स्लैब में फिट हो जाओ, ठीक है। वॉट वुड बी रिटन इन द टर्मिनेशन लेटर, ये किसी भाई ने मेरे से पीछे मेरे पीछे वाली वीडियो पे कमेंट करके पूछा था कि सर हमें ये बताइए कि जो टर्मिनेशन लेटर होता है इसके अंदर एक्चुअली होता क्या है। सो टर्मिनेशन लेटर के अंदर एक्चुअली दोस्तों कुछ नहीं होता है, पहले हेडिंग होती है, डेट, टर्मिनेशन डेट, कब से टर्मिनेट किया गया है, कितना टाइम का उसका एक्सपीरियंस है, साथ में जो सबसे मेन और इंपॉर्टेंट चीज होती है रीजन, रीजन लिखा रहता है। तो वॉलेंट्री जो मेरे टर्मिनेशन है उनमें और जो कंपनी निकालती है उनमें थोड़ा सा डिफरेंस है, वॉलेंट्री वाले में जो भी स्टेटमेंट यूज होता है वो बहुत सॉफ्ट और बहुत दूसरे को समझने वाला स्टेटमेंट होता है जो दूसरे को निगेटिविटी नहीं देगा, बट टर्मिनेशन अगर कंपनी ने किया है तो उस केस में इन सारे जिसमें कंपनी ने किया है उन सारी चीजों में भी कंपनी ठीक से आपको रीजन लिख के देती है, बट अगर आपने कोई गधे वाला काम किया है तो डेफिनेटली उसमें हार्ड वर्ड का यूज होता है, आपको एक तरीके से एक्सपोज करने का पूरा एक सिनेरियो बनता है कि भैया जो टर्मिनेशन में रिमार्क लिखा जाएगा वो लिटरली लिखा जाएगा कि भैया ये लड़की से छेड़छाड़ कर रहा था, इसका करेक्टर ठीक नहीं है, इस वजह से हम टर्मिनेट कर, और जो पिछली कंपनी अगली कंपनी में अगर आप जाओगे तो टर्मिनेशन लेटर जब आपसे मांगा जाएगा या तो आपसे एक्सपीरियंस लेटर मांगा जाएगा रिलीविंग लेटर, या फिर आपसे आप बताओगे कि मैं एक्सपीरियंस या रिलीविंग लेटर नहीं मेरे पास तो टर्मिनेशन लेटर है, तो कहेंगे ठीक है
टर्मिनेशन लेटर दिखाओ, अगर ये सारे पॉइंट होंगे या ये वॉलंटरी वाला होगा तो भी कोई इशू नहीं है। हो जाता है कई बार मार्केट में कि भाई पैसे नहीं है, फंड नहीं है, बहुत सारी चीजें, बट अगर इन रीजन्स में से कुछ लिखा होता तो डेफिनेटली आपके लिए परेशानी आ सकती है, क्या आएगी ही, आपको जॉब मिलना मुश्किल होगा। तो कभी भी ये सब काम नहीं करना है। फाइनली बात करेंगे रूल्स की। टर्मिनेशन के टाइम पर एम्प्लॉयर को क्या सेट ऑफ रूल्स फॉलो करने चाहिए? अगर कंपनी की हालत बहुत खराब है या जो भी इनमें से मैंने कंपनी के रीजंस लिखे हैं, इनमें से अगर कोई भी रीजन है तो कंपनी को ये सेट ऑफ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। जैसे एग्जांपल देता हूं, कंपनी को 1 महीने का नोटिस पीरियड का पैसा उसको देना पड़ेगा। हालांकि नोटिस पीरियड जो है वो मेरा डिपेंड करता है बेस्ड ऑन सम इंडस्ट्री, बेस्ड ऑन सम लोकेशन, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ वर्कमैन और एम्प्लॉय इन अ ऑर्गेनाइजेशन, इंडस्ट्री और कंपनी। ये कुछ चीजें वेरी करती है। जैसे एग्जांपल, अगर मैं किसी प्राइवेट फर्म के अंदर हूं, प्राइवेट कंपनी के अंदर हूं, जहां पर बहुत ज्यादा एम्प्लॉय नहीं है, तो मेरे को 1 मंथ का नोटिस पीरियड कंपनी पे करेगी ही करेगी। बट अगर मैं किसी ऐसी कंपनी इंडस्ट्री में हूं जो मेरी लाइक माइनिंग करती है, जहां पे बहुत सारे लोग खुदाई करते हैं, या कोल माइनिंग है या गोल्ड माइनिंग है, कोई भी इस तरीके की माइनिंग्स में जो काम करते हैं बहुत सारे वर्कर होते हैं, और क्या हो सकता है, कोई ऐसी इंडस्ट्री जो छोटी इंडस्ट्री है, जो फैक्ट्री, और उसमें भी बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। तीसरी होती है कोई खेती बाड़ी का काम की इंडस्ट्री है, कुछ उगाती है, कुछ प्लांट करती है, तो ऐसी कंपनीज पर नोटिस पीरियड मेरा 1 मंथ का नहीं होता है, नोटिस पीरियड 3 मंथ का होता है। सैलरी इंडस्ट्री को, कंपनी को पे करनी पड़ती है अपने वर्कमैन को 3 महीने की। अब नोटिस पीरियड की बात हो गई, 1 महीना और 3 महीना, सैलरी भी पे होगी उतने की, 1 महीने की, 3 महीने की। साथ में एक चीज और है कि प्राइवेट सेक्टर की जो कंपनीज हैं, जो छोटी फर्म है जिनमें नोटिस पीरियड 1 महीने का है, इनमें गवर्नमेंट से अप्रूवल लेने की कोई जरूरत नहीं है कि भैया हम टर्मिनेट करने जा रहे हैं। बट जो 3 फर्म मैंने बताई, 3 नहीं एक्चुअली, ये 5-6 टाइप की फर्म है, बट मुझे अभी 3 ही पता है, कि वर्कर इंडस्ट्री हो जहां पे बहुत सारे काम कर रहे हैं, 150 से 200 से ज्यादा होने चाहिए, 200-300-400 वर्कर काम कर रहे हैं, प्लांटेशन की कंपनी है या माइनिंग की कोई माइनिंग वाली लोकेशन है उस जगह पे बहुत सारे वर्क, ऐसे केसेस में अगर आप बहुत सारे एम्प्लॉयज को निकालने की बात कर रहे हो, तो आपको नाम लिख करके, रीजन दे करके गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना होता है कि भाई हम ये एक्टिविटी करने जा रहे हैं, और फिर उस एक्टिविटी से रिलेटेड नोटिस बोर्ड पे आपको लगाना पड़ता है कि इनको नोटिस दिया जा रहा है कि भैया आपको निकाला जाएगा। कई बार अनाउंस भी किया जाता है, पढ़ के सुनाया जाता है, और फिर टर्मिनेट किया जाता है। सो ये बात तो मैंने आपको पहले बता दी कि टर्मिनेशन में नोटिस देते हैं, नोटिस पहले देना पड़ता है, इन्फॉर्म करना पड़ता है, क्लियरली मेंशन करेगी कि टर्मिनेशन डेट क्या होने वाली है, आपको टर्मिनेशन के लिए अनाउंस करेगी, नोटिस देगी और डेट भी मेंशन करेगी। और कंपनी को क्या करना चाहिए, कंपनी आपका मस्टर रोल मेंटेन करेगी। मस्टर रोल क्या है भाई, मस्टर रोल में कुल मिला के ऐसे समझिए कि अगर बिल्कुल लेमन टर्म में बात करूं तो आपकी एग्जिस्टेंस को वो वैलिडेट करेगी कि आप कंपनी में हो, आपकी बेसिक डिटेल्स क्या है, आपको कितनी कितनी सैलरी जा रही है, आप कब कब आए, उनकी अटेंडेंस, मतलब एक तरीके से HR में आपकी एंट्री वहां पर मेंटेन करेगी कि आप यहां के परमानेंट एम्प्लॉय हो, तो वो उसको मेंटेन करना होता है। नोटिस बोर्ड पे लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज की लिस्ट लगाएगी जिनको कंपनी टर्मिनेट करने जा रही है, ठीक है। अगर कंपनी आपको टर्मिनेट कर रही है किसी रीजन से, इनमें से कोई भी रीजन होता है, और कुछ समय के बाद कंपनी की हालत सुधर जाती है और कंपनी चाहती है कि भैया मैं फिर से अपने काम को, अपनी स्ट्रीम को, अपने उस ब्रांच को फिर से स्टार्ट करूं जिसको मैंने डिसॉल्व कर दिया था, लोग उसके टर्मिनेट कर दें, तो बट ऑब्वियस है गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से सेम प्रोफाइल के लिए सेम JD पर आपको पहली प्रेफरेंस उन बंदों को देनी है जिनको आपने टर्मिनेट किया। हालांकि कंपनी ऐसे नहीं करती है, अगर मैनेजर वहां बचा हुआ और मैनेजर से आपके अच्छे लिंक है तो डेफिनेटली ऐसा होता है, बट कभी होता है कभी नहीं होता है, बट ये गवर्नमेंट का रूल है कि उनको पहली प्रेफरेंस आपको देनी चाहिए। और एक और है, कंपनी ये भी कहती है कि अगर किसी बुरे समय में आपको टर्मिनेशन करना पड़े तो भाई लास्ट इन फर्स्ट आउट के हिसाब से करोगे, किसी पर्टिकुलर आप डिपार्टमेंट में जिसमें सेम तरीके की हायरिंग आपने करी है।
जो सबसे बाद में आया है, एक मान लीजिए आपने 15 ग्रेजुएट हायर किए और 15 ग्रेजुएट सेम काम करते हैं, लेट से एग्जांपल दे रहा हूँ, कॉलिंग का काम करते हैं, कंपनी की हालत बुरी होगी तो आप पहले उसको निकालेंगे जो सबसे लास्ट में आया है, उसके बाद जो उससे थोड़ा पहले आया, उससे थोड़ा, जो सबसे पुराना होगा उसका नंबर सबसे बाद में आएगा। तो इस तरीके का भी रूल है गवर्नमेंट में, इस तरीके का रूल भी है आपके कोर्ट कचहरी के अंदर। उसके बाद सारी काम हो गई, इस चीज को ध्यान से सुनिए, टर्मिनेशन लेटर जरूर से जरूर लेना है भाई, कंपनी से जरूर लेना है। ऐसा नहीं है कि टर्मिनेशन लेटर आपने नहीं लिया, ठीक है, कि इसमें पता नहीं क्या रीजन लिखा हुआ, नहीं, टर्मिनेशन लेटर आपको 101% रिसीव करना है। अब जब इतना सब कुछ होगा तो बट ऑब्वियस है कि भैया जो मेरे बेनिफिट्स थे, मैं परमानेंट एम्प्लॉय हूं, मेरे जो बेनिफिट्स थे वो तो मुझे मिलने ही चाहिए, तो बट ऑब्वियस है अगर नोटिस पीरियड मैंने पूरा सर्व किया होगा तो बट ऑब्वियस है मेरा फुल एंड फाइनल ठीक से होगा। अगर मेरी ग्रेचुटी बनती होगी, 5 साल हो गए हैं तो मेरी ग्रेचुटी मुझे मिलेगी, लीव एनकैशमेंट जो बची हुई है वो मिलेगी, साथ में जितने साल आपने कंपनी में काम किया है उसके हिसाब से बोनस मिलेगा, ठीक है, सारी चीज ठीक है, टर्मिनेशन हो गया, टर्मिनेशन वाली बहुत सारी कहानी समझ ली। ऐसी कौन सी चीज है जो नहीं करनी है, मैं हमेशा बताता हूँ रिजाइन के बाद, टर्मिनेशन के बाद, इन सारी बेसिक चीजों में जरूर से जरूर बताता हूँ कि क्या नहीं करना है। भाई नहीं करना है तो रॉन्ग कमेंट नहीं करना है, सोशल मीडिया पर जाकर के रॉन्ग कमेंट नहीं पास करने हैं, सोशल मीडिया पर जाकर के कंपनी की इमेज खराब करने की कोशिश नहीं करनी है। अगर आप ऐसा करोगे तो कंपनी उस पॉइंट को आपके अगेंस्ट यूज करेगी और ये प्रूफ करेगी कोर्ट में जाके कि इसके इस कमेंट की वजह से मेरे इतने लाख का लॉस हुआ है, मेरी इमेज खराब हुई है, और कंपनी उल्टा आपसे चार्ज कर देगी। तो कभी भी रॉन्ग कमेंट नहीं करना, ठीक है, किसी से भी टर्मिनेशन के बाद, टर्मिनेशन लेटर लेने के बाद या उससे पहले या किसी भी रीजन से किसी से बहस नहीं करनी है, किसी से लड़ना झगड़ना नहीं है, किसी को रॉन्ग वर्ड्स नहीं बोलने, सही से बिहेव करना है, किसी को थ्रेट नहीं देनी है अपने मैनेजर को या किसी को कि तुझे मैं बाहर निकल के देख लूंगा, तूने मेरा ऐसा किया है ना, मैं तुझसे बाहर मिलूंगा, कभी ऐसा नहीं करना है, इससे आप और ज्यादा प्रॉब्लम में फंस जाओगे और ये कमेंट आपको माइंड भी हो सकता है कि पुलिस के पास भी ले जाए। तो होपफुली बहुत सारी चीजें मेरे एनालिसिस से मैंने यहां पे इकट्ठे की और आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, होपफुली आपके कमेंट टर्मिनेशन से रिलेटेड जितनी भी क्वेरीज होंगी वो सॉल्व हुई होंगी। अगर फिर भी कुछ रहता है जो मैंने कवर नहीं किया तो भाई कमेंट में जरूर से जरूर बता देना, सो दैट मैं सोच सकूं कि मैं आपके लिए उस पर कैसे एक्सप्लेनेशन दे सकता हूं। अगर इस तरीके की वीडियोस आपको पसंद आ रही है, आप देखिए मेरे वीडियो थोड़े से लंबे होते हैं क्योंकि मैं एक ही वीडियो में बहुत सारी चीज लेके आता हूं, हालांकि मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे भी हैं जो 2-2 मिनट, 5-5 मिनट, 7-7 मिनट के होते हैं, डेफिनेटली उन्होंने भी बहुत अच्छा किया है, सब अच्छा ही करते हैं, बट मैंने अपनी बेस्ट नॉलेज के हिसाब से आपके लिए काफी कुछ प्रिपेयर किया, होपफुली आपको हेल्प देगा, आपको ग्रोथ में आगे लेके जाएगा, और ऐसा हो तो अपने भाई को, भाई के काम को मोटिवेट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी वीडियोस लगातार देखते रहने के लिए शेयर करें और इनको स्प्रेड करें अपने दोस्तों के साथ। फिर से मुलाकात होगी दोस्तों एक नई वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ, तब तक दीजिए मुझे इजाजत, और हां रेजिग्नेशन में कोई डाउट नहीं है, टर्मिनेशन, ले ऑफ, इनमें जो कंफ्यूजन था आई थिंक ले ऑफ से आप कंपेयर कर सकते हैं, इनमें क्या डिफरेंस है कि ले ऑफ कब होता है और टर्मिनेशन कब होता है, ये आपको इजी समझ में आ गया होगा। तो अगर ऐसा हुआ हो तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।